भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जिस तरह से लगातार भारत में बढ़ रही है, एक के बाद एक नए मामले कोरोना वायरस के सामने आ रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। यानी रविवार यानी आज के दिन जो है ये जनता कर्फ्यू जो है लगाया गया है, 14 घंटे का ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है। और इसमें देखा जा रहा है कि जो है जनता भी इस कर्फ्यू को समर्थन कर रही है, लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही हैं और पुलिस भी जो है लगातार पूरे शहर में गश्त कर रही है कि कोई भी अगर व्यक्ति बाइक से या फिर पैदल जा रहा है तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकले हैं, क्या उनका कारण है, कोई इमरजेंसी कारण है उनका घर से निकलना, तो उन्हें जाने दे रही है लेकिन उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी तरह से हम आपको दिखा दें कि इस वक्त जो है हम मुंब्रा के जो है रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर जो है ऑटो रिक्शा यूनियन का जो भी बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर सूचना दी गई है कि कोरोना को लेकर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, इस वजह से जो है बंद किया गया है, रिक्शे बंद है पूरे शहर में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग हैं वो भी कोरोना वायरस को देखते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया था उसको समर्थन करते हुए जो है आज अपने घरों में ही मौजूद हैं वो, और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो पुलिस की वैन यहाँ से जा रही है, इसी तरह से पूरे मुंब्रा शहर में जो है इसी तरह से पुलिस की वैन चल रही है और कुछ लोग अगर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो क्यों घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर हम बात करें रेलवे की तो इस समय हम मौजूद हैं मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर और आपको दिखा दें कि जो यहाँ पर टिकट की खिड़कियां हैं वो पूरी तरह से बंद है क्योंकि जो है जनता को अलाउड नहीं किया गया है ट्रेन में सफ़र करने के लिए। रही बात ट्रेनों की तो ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं लेकिन अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो ही वो जा सकता है आम जनता, लेकिन उसे भी प्रूफ करना होगा कि आखिर किस तरह की उसे इमरजेंसी है, उसे साबित करना पड़ेगा तभी वो यहाँ से जा सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है पूरा जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ये इसी तरह का जो है रस्सी लगाकर, जो ये रस्सी यहाँ पर लगी हुई इसी तरह से जो है रस्सियाँ लगाकर जो है जितने भी मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने वाले रास्ते थे उन सभी को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में जो है सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर जो रेलवे कर्मचारी हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर पुलिस है या दमकल विभाग है सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने का यहाँ पर जो है परमिशन है। और अगर वो भी जाते हैं तो यहाँ पर जो है डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई है, वो डॉक्टर जो है यहाँ पर इसी तरह से जो है पहले जाँच करते हैं, उनका नाम पता लेते हैं, उसके बाद उन्हें जो है लोकल ट्रेन में जाने की इजाज़त देते हैं क्योंकि जो रेलवे यहाँ पर जिस तरह से देखेंगे आपकी जो है यहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आ सके। और फिलहाल जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें रोज़ के मुकाबले जो है काफ़ी देर से चल रही हैं, हालांकि आधे घंटे 40 मिनट इस तरह से ये ट्रेनें आ रही हैं लेकिन इसमें जो है आम जनता को चलने का अलाउड नहीं है। और जो रेलवे कर्मचारी हैं जिस तरह से आपने को बताया कि दमकल विभाग के कर्मचारी हैं या फिर पुलिस विभाग है या डॉक्टर की कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो ही जो है इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है वो बाकायदा जो है यहाँ पर पहले उनका नाम पता एड्रेस वगैरह लेती है, उसके बाद उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दे रही है। और बहरहाल जिस तरह से दिखाएंगे आपको कि जो मुंब्रा का रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है, कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 14 घंटे का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, बड़ी तादाद में जो है लोग अपने घरों में ही हैं और इस कर्फ्यू का जो है समर्थन भी कर रहे हैं, हालांकि शहर में जो है पुलिस प्रशासन जगह जगह पे घूम रही है, कहीं ना कहीं जो है जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है, कोई इमरजेंसी बात है अगर तभी वो अपने घर से निकले, इस तरह का जो है पुलिस बंदोबस्त मुंब्रा शहर में लगाया गया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।